अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ग़ुलाम मुश्तबा गोदा ट्रेवलर से आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज हम लोग खारान के इलाके काशी डैम की तरफ आए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ों के दरमियान एक डैम है और बहुत ही उम्दा सा जगह है। ये जो वीडियो है ये दो सीरीज़ में आने वाली है, जिसमें हम लोग बॉनफायर करने वाले हैं। बॉनफायर के साथ हम लोग बारबेक्यू भी करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले इस जगह को डिस्कवर करेंगे, इसके साथ साथ रास्ते में जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आएंगे, जो पहाड़ आते जाएंगे, उन सबको भी कैप्चर करके हम लोग फिर काशी डैम की तरफ आएंगे और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हम लोग यहाँ करेंगे। यहाँ हम लोगों ने अपने लिए चावल भी बनाया है, चावल के साथ साथ चाय। सर्दियों के मौसम में ये कावा चाय बहुत ही ज़बरदस्त है और इस जगह में हमें फुल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम दे रहा था। और साथ साथ जो इस जगह की खूबसूरती थी वो इसका सनसेट था, जो हम लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से देखा और एंजॉय किया। बहुत ही पुरसकून माहौल था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। ये इसका पार्ट टू है, अगर आप पार्ट वन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहीं से देख सकते हैं। ये कंक्रीट डैम नहीं है, ये जो डैम है वो कच्चा बना हुआ डैम है और ये ऐसी जगह पर बनाया गया है जिसके दो साइड पहाड़ है। इन पहाड़ों के बीच में ये डैम बनाया गया है और इसका जो वाटर फ्लो का एरिया है वो भी कुदरती बना हुआ है। इसके लिए वाटर फ्लो भी नहीं बनाया है। अगर पानी ज़्यादा बढ़ता है तो उस पहाड़ की साइड से, अगर आप देख सकें तो सामने वहाँ से एक रास्ता खुद ब खुद कुदरती तौर पर निकलता है जो ओवरफ्लो के लिए इसे रास्ता दे देता है। इस पानी में मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं जो लोग शिकार करने के लिए आते हैं, मछलियाँ भी शिकार करते हैं और बहुत सारे नायाब परिंदे जो दूसरे इलाकों से आते हैं वो भी यहाँ बहुत सारे आते हैं। यहाँ चलना भी बड़ा दुश्वार है। ये पूरा एक पहाड़ है अगर आप देख सको। सनसेट का व्यू भी यहाँ से बहुत ज़बरदस्त सा दिखाई देता है। सनसेट भी इंशाल्लाह कवर करेंगे आज हम लोग आपको, जब तक ये दिखाते हैं। ये मछलियाँ भी यहाँ पड़ी हुई हैं अगर आप देख सकें। ये मछली ये भी है, ये भी है, ये मेरे ख्याल से मरे हुए हैं। मछलियाँ भी हैं इस डैम में, आप देख सकें तो। ये आप देख खुद देख लें, ये पहाड़ के ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये पानी इसका बहुत ही गहरा है। वे मछली भी ज़िंदा है, ऐसे लगता है कि सर्दी की वजह से ये टिटर गया है और इसे कुछ नहीं हुआ।